हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर जो रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर है, इस चैप्टर का जो लास्ट और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इनवर्स फंक्शंस पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस। हम जानते हैं फंक्शंस जो है वो एक ऑपरेशन होती है, और ये जब इसका ये किसी ये फंक्शन जब किसी वैल्यू पर ऑपरेट होता है तो हमें एक दूसरी वैल्यू मिलती है। तो ये जो इनवर्स फंक्शंस है, नाम से स्पष्ट है कि यदि कोई फंक्शन एक्स पर ऑपरेट होने से वाई वैल्यू देता है तो इनवर्स फंक्शन जो है वो वाई पर ऑपरेट होने से वापस एक्स वैल्यू देना चाहिए। तो इस तरह के इनवर्स फंक्शंस को हम इसमें जो है डेवलप करेंगे, और हम ये जानेंगे किस तरह के जो फंक्शन है उनका इनवर्स फंक्शन हो सकता है। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि इनवर्स फंक्शन का मतलब हम किस तरह का फंक्शन चाहते हैं। तो यहाँ देखिए, सपोज ये एक फंक्शन है जो ए से बी में है, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, और ये जो फंक्शन है ये इस सेट ए के किसी एलिमेंट एक्स पर ऑपरेट होता है तो हमें वाई वैल्यू मिल रही है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये रिलेशनशिप होती है। ये जैसे ही फंक्शन एक्स पर ऑपरेट होता है तो हमें वाई वैल्यू मिल रही है। तो अब हम जिस तरह के फंक्शंस की तलाश में हैं वो इस तरह का फंक्शन होना चाहिए। जो ये फंक्शन अगर ए से बी में है तो हम चाहते हैं कि हम एक दूसरा जो फंक्शन डिफाइन करें इस फंक्शन के रेफरेंस में जो सेट बी से सेट ए में हो। अगर ये सेट ए से बी में है तो हमारा जो इनवर्स फंक्शन है वो सेट बी से सेट ए में होना चाहिए, और ये फंक्शन जो ये पहले जो ओरिजिनल फंक्शन जो काम करता है ठीक उसका रिवर्स वर्क ये करना चाहिए। यानी यदि इस फंक्शन के अंडर में, अंडर दिस फंक्शन एफ, इफ इमेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन इन दिस अंडर दिस फंक्शन एफ इनवर्स इमेज ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू एक्स। यानी अगर एक्स की इमेज वाई आ रही है तो ये जो इनवर्स फंक्शन है वो वाई की इमेज वापस एक्स बना दे, ऐसा हमें फंक्शन चाहिए, और ऐसे फंक्शन की हम तलाश में हैं। और यहाँ देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो इनवर्स फंक्शन है वो इस वाई पर ऑपरेट हो तो हमें वापस वो वैल्यू मिल जाए एक्स। तो इस तरह के फंक्शन की हमें तलाश है। तो इस तरह का फंक्शन हम डिफाइन करना चाहेंगे किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो पहले तो हम देखें कि किस तरह के फंक्शंस के लिए हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सपोज हमारे पास ये एक फंक्शन है, इसका जो डोमेन है उसमें 1 2 3 4 5, और कोडोमेन में ए बी सी डी चार एलिमेंट है, और ये फंक्शन ए से बी में है। तो इसको देखिए, अगर मान लीजिए कि ये जो फंक्शन है, अब जो रिवर्स फंक्शन होगा वो रिवर्स फंक्शन किस तरह का होना चाहिए। तो रिवर्स फंक्शन देखिए, अगर यहाँ पर ये फंक्शन 1 को ए से रिलेट करता है तो जो रिवर्स फंक्शन है वो ए को 1 से रिलेट करेगा। 1 को अगर ए से, तो ये ए को 1 से रिलेट करेगा, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। सिमिलरली अगर ये 2 और 3 है, अगर उसको बी से रिलेट करता है तो ये बी जो है वो वापस 2 और 3 से रिलेट होगा। 4 है वो सी से रिलेट है तो यहाँ सी को 4 से करे, और ये 4 5 अगर डी से है तो डी 5 से रिलेट करेगा। तो ये जो हमारा ये जो फंक्शन है, इसके जो रिवर्स फंक्शन की हम बात करें तो रिवर्स फंक्शन हमारा ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि क्या ये जो फंक्शन है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। तो देखिए, फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसमें हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो बी है उसकी दो दो इमेजेज है, 2 और 3। तो ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो जी है, ये जो सो कॉल्ड फंक्शन है जिसको हम कहना चाह रहे हैं फंक्शन, ये एक तरह से फंक्शन नहीं हुआ। दिस इज नॉट ए फंक्शन। और ये फंक्शन क्यों नहीं हुआ, इसको हम यहाँ गौर से देखें तो हमें पता लग रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर मेनी वन है, कोई भी फंक्शन मेनी वन है, तो उसका जो रिवर्स फंक्शन हम डिफाइन करना चाहेंगे तो वो 1 टू मेनी हो जाएगा। लेकिन 1 टू मेनी कोई फंक्शन हो नहीं सकता, इसलिए ये अगर कोई फंक्शन मेनी वन फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन के लिए हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फंक्शन था ओरिजिनली, हमारे पास जो फंक्शन था ये मेनी वन होने के कारण ये इन्वर्टिबल नहीं है। हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, दैट इज फॉर दिस फंक्शन वी कैन नॉट डिफाइन इनवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब की बार हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह से है, ये जो है डोमेन में 1 2 3 तीन एलिमेंट है, और कोडोमेन में ए बी सी डी चार एलिमेंट है, और यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें अब की बार हमने इसको 1 1 लिया है, यानी एक एलिमेंट एक से रिलेट है, 1 A से रिलेट है, 2 B से रिलेट है, और 3 C से रिलेट है, लेकिन D यहाँ पर छूटा हुआ है। अब यदि हम इसका इनवर्स फंक्शन हम चाहें तो इनवर्स फंक्शन की खासियत ये होनी चाहिए कि वो जो है इसका जो डोमेन है वो तो इसका कोडोमेन बन जाए, इसका जो कोडोमेन है वो इसका डोमेन बन जाए। तो ये जो ए बी सी डी है वो इधर आ जाए और 1 2 3 उस तरफ हो जाए, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था।
और अब हम चाहते हैं कि देखना चाहते हैं क्या ये जो हमने ये जो सो कॉल्ड फंक्शन है वेदर इट इज़ फंक्शन और नॉट, ये चेक करना चाहते हैं। तो फिर से देखिए यहाँ एक एलिमेंट एक से रिलेट है, इसका मतलब है कि ये पहली शर्त तो पूरी कर रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि कोई भी जो है फंक्शन अगर है तो उसकी खासियत है कि उसमें उसके जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स है दे मस्ट बी रिलेटेड, दे मस्ट हैव इमेजेस। तो यहाँ देखिए जो डी एलिमेंट है इस डी एलिमेंट की कोई भी इमेज यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन नहीं हुआ। और ये फंक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन था इस फंक्शन में ये कोडोमेन का एलिमेंट छूट रहा है, तो यहाँ अब इसमें जो इसका रिवर्स जो फंक्शन हम डिफाइन करना चाह रहे हैं उसके डोमेन में वो एलिमेंट छूट जाएगा। और डोमेन में एलिमेंट छूटना ज़्यादा सीरियस मामला हो जाता है, क्योंकि डोमेन में एलिमेंट छूटने का मतलब है कि ये जो जी है वो फंक्शन ही नहीं रहा, तो दिस विल नॉट बी ए फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं हुआ। पहले फंक्शन क्यों नहीं हुआ था इसको देखिए, ये पहले फंक्शन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ वन टू मैनी हो गया, वन टू मैनी, एक एलिमेंट की दो दो इमेजेज हो गई, तो इमेज यूनिक नहीं रही, इसलिए ये फंक्शन ही नहीं रहा। और अब हम देख रहे हैं इसमें इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि जो डी एलिमेंट है वो छूट रहा है, तो इस डोमेन का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए इफ़ इट इज़ ए फंक्शन। सो ये डी छूट गया इसलिए ये फंक्शन नहीं रहा, तो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। अब ये फंक्शन नहीं है तो इस तरह का जो ये फंक्शन क्यों नहीं है, तो हम देख रहे हैं यहाँ डी एलिमेंट छूट रहा है इसलिए फंक्शन नहीं है। तो यदि कोई फंक्शन में के जो कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूट रहा है, तो हम जानते हैं अगर कोडोमेन का एलिमेंट अगर छूट जाता है और वो किसी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि उसकी प्री इमेज अगर नहीं है डोमेन में, तो ऐसे फंक्शन को हम नॉट ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो इफ़ ए फंक्शन इज नॉट ऑन टू देन इट विल ऑल्सो विल नॉट बी इन्वर्टिबल, तो ऐसे फंक्शन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम देख रहे हैं, हमने देखा कि यदि कोई फंक्शन वन वन नहीं है यानी मैनी वन है, ये देखिए ये जो फंक्शन मैनी वन था तब भी ये नॉट इन्वर्टिबल था, और अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये नॉट ऑन टू है तब भी ये इन्वर्टिबल नहीं है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि हमें जो फंक्शन लें जिसका कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो फंक्शन वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो अब हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, उस एग्जाम्पल में हम ऐसा फंक्शन लेंगे जो वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो देखिए अब की बार एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें जो फंक्शन है इसके डोमेन में तीन एलिमेंट है और कोडोमेन में भी तीन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, और यहाँ पर वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, यानी कि एक का रिलेशन एक से ही है और कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, यानी दैट इज एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन द डोमेन, हर की प्री इमेज हमारे पास डोमेन में मिल रही है। यही कह सकते हैं कि हर एलिमेंट जो कोडोमेन में है उसके लिए डोमेन में हमारे पास एक एलिमेंट है जिसकी की इमेज वो एलिमेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो ऐसा जो फंक्शन है, इस फंक्शन को जैसे मैं यहाँ देखें तो ये वन, तो यहाँ ये जिस रिलेटेड है वन, तो यहाँ मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है, तो वन वन स्क्वायर, ये टू है वो टू स्क्वायर से रिलेटेड है, और थ्री जो है वो थ्री स्क्वायर से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये फंक्शन हमने लिया है। अब इसका जो रिवर्स फंक्शन लेंगे हम, तो इसका रिवर्स फंक्शन देखें पॉसिबल है या नहीं है। तो रिवर्स फंक्शन में इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ कि ये जो अगर ये वन को वन से रिलेट कर रहा है तो ये इसको उल्टा वापस वन को ए वन से रिलेट कर रहा है, ए से बी में है तो ये बी से ए में है, तो ये वन को वन से रिलेट कर रहा है तो ये वापस वन को वन से रिलेट कर रहा है, ये टू को फोर से कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ ये वापस फोर को टू से कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली फंक्शन एफ जो है वो थ्री को नाइन से कनेक्ट कर रहा है, नाउ अगेन अंडर जी इमेज ऑफ नाइन विल बी इक्वल टू थ्री। तो ये जो है ये ठीक रिवर्स प्रोसेस की तरह काम कर रहा है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास फंक्शन था ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो देखिए जो इसका रिवर्स फंक्शन है, रिवर्स जो सो कॉल्ड फंक्शन है वेदर इट इज़ फंक्शन और नॉट, हम चेक करते हैं। तो देखिए इसमें जो हर एलिमेंट की इमेज यूनिक है और इस डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, दैट इज एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद सम एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। तो ये जो ये भी एक फंक्शन हो गया, तो डेफिनेटली जी इज ए फंक्शन, जी एक फंक्शन है, और ये जी ऐसा फंक्शन है देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर ये हर एलिमेंट को उसके स्क्वायर नंबर से रिलेट कर रहा है। सिमिलरली ये जो है हर एलिमेंट को उसके स्क्वायर रूट से रिलेट कर रहा है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ जी एक्स को ये जो जी है वो किसी भी वैल्यू इनमें से 149 की किसी वैल्यू पर ऑपरेट होता है, तो हमें आंसर इस तरह से मिलेगा कि जब यहाँ रखेंगे तो वन तो यहाँ रूट वन, या फोर तो रूट फोर यानी टू, या नाइन तो रूट नाइन, इस तरह का फंक्शन है ये। तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस तरह का फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शन की क्या खासियत है, देखिए एफ और जी, अब अगर इन दोनों के लिए हम कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करते हैं, अगर हम जी ओ एफ लेते हैं, तो देखिए जी ओ एफ जो है
इसका जो डोमेन है वो तो जो एफ की डोमेन है वही होगी, तो एफ की डोमेन यहाँ पर ए है, और जी ओ एफ की जो कोडोमेन है वो जी की कोडोमेन होगी, जो जी की कोडोमेन हमारे पास वापस ए है, तो जी ओ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। और वैसे भी आप यहाँ ए या बी और अगर यहाँ वापस ए लिखते हैं, जिसमें यहाँ पर बी टू ए, बी टू ए एक फंक्शन जी है, तो ये पूरा जी टू एफ एक फंक्शन हो जाएगा, जो हमने पहले ओरिजिनली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में पढ़ा था। तो जी ओ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। अब जी ओ एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो जी ओ एफ एक्स कैलकुलेट करने का तरीका, सबसे पहले इस एक्स पर ये फंक्शन, इमीडिएट जो फंक्शन है एफ, ये ऑपरेट होगा और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से एक्स स्क्वायर आ रही है, फिर इस पर जी ऑपरेट होगा, जी जब यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है तो ये जी क्या कर रहा है, जो भी नंबर यहाँ होता है उसका स्क्वायर रूट लेना होता है, तो जो नंबर यहाँ अंदर एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वापस एक्स आ गया। तो ये जो जी ओ एफ इज ए फंक्शन विच वैन ऑपरेट्स ऑन एक्स वी अगेन गेट वैल्यू एक्स। तो देखिए यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि वन की इमेज बन रही है वन, और वन की फाइनल इमेज वापस वन, तो वन इससे रिलेट हुआ वन से। सिमिलरली जो टू है उसकी अंडर एफ इमेज बन रही है फोर, और फिर फोर की वापस टू, तो टू किससे रिलेट हुआ टू से। इसी तरह से थ्री या नाइन, फिर नाइन जो है वापस थ्री से रिलेट हो रहा है, इसका मतलब थ्री की जो अल्टीमेट इमेज है वापस थ्री ही आ रही है। तो जी ओ एफ इज ए फंक्शन विच रिलेट्स एलिमेंट ऑफ ए विद इट्स सेल्फ, यानी उन्हीं के वापस उसी से रिलेट कर रहा है। इसी तरह से हम अगर एफ ओ जी देखें, तो एफ ओ जी विल बी ए फंक्शन फ्रॉम बी टू बी। अब यहाँ से शुरू करें, बी से शुरू करें, देखो एफ ओ जी की जो डोमेन है वही हमारे पास यहाँ पर जी की डोमेन होगी, जी की डोमेन यहाँ बी है तो इसकी डोमेन भी बी हो गई, और एफ ओ जी की जो कोडोमेन है वो एफ की कोडोमेन की इक्वल होगी, और एफ की जो कोडोमेन हमारे पास बी है इसलिए एफ ओ जी की कोडोमेन भी बी हो गई। तो एफ ओ जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू बी। अब हम एफ ओ जी को किसी एलिमेंट एक्स पर ऑपरेट करते हैं, और ये जो एक्स एलिमेंट लिया है वो सेट बी से लिया है, पहले हमने जो ये एक्स एलिमेंट लिया था वो सेट ए से लिया था, तो सेट ए में वन टू थ्री थे तो उन पर ये ऑपरेट हुआ था। अब जो है ये जो एक्स एलिमेंट है ये हम इस सेट बी से ले रहे हैं, बिकॉज एफ ओ जी जिस पर भी ऑपरेट होगा वो उसके डोमेन से होना चाहिए, तो ये जो है एक्स एलिमेंट किससे होगा, इस सेट बी के एलिमेंट से होगा। तो हम एफ ओ जी को ऑपरेट कर रहे हैं सेट बी के किसी एलिमेंट पर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 149 में से कोई है, अब ऑपरेट हो रही है। सबसे पहले इमीडिएट फंक्शन जी ऑपरेट होगा और जी एक्स निकालेंगे, तो जी एक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, जी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है, सो जी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स हो गया, और रूट एक्स कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में फिर ये एफ जब इस पर ऑपरेट होगा तो ये वापस उसका स्क्वायर कर देता है, जो भी नंबर यहाँ होता है उसका स्क्वायर कर देता है ये नंबर एफ एक्स, इसकी खासियत है फंक्शन की यहाँ पर, तो ये रूट एक्स का वापस स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स आ रहा है। तो एफ ओ जी भी क्या कर रहा है कि इस सेट बी के जो एलिमेंट है उसको वापस सेट बी के एलिमेंट से ही रिलेट कर रहा है, तो एफ ओ जी बी से बी में एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया क्योंकि ये खुद को खुद से रिलेट कर रहा है लेकिन सेट बी के एलिमेंट को। इसी तरह से जी ओ एफ भी क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है जो सेट ए पर डिफाइन है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जी ओ एफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन विच इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, और एफ ओ जी इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी फंक्शन विच इज फ्रॉम सेट बी टू सेट बी। अब देखिए हमारे पास यहाँ एफ एक फंक्शन है ए से बी में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, जी एक फंक्शन है बी टू ए, और जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स है, और हमने ए और बी इस तरह से लिए थे कि ये एफ और जी दोनों ही वन वन ऑन टू थे, एफ वन वन ऑन टू था, और इसका जो रिवर्स फंक्शन हमने लिया जी वो भी क्या था, वन वन और ऑन टू। तो यहाँ जी ओ एफ हमने कैलकुलेट किया कंपोजिट फंक्शन, वो एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, और एफ ओ जी भी एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। इन जनरल एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई दो फंक्शन ऐसे होते हैं जो दोनों वन वन ऑन टू है और इस तरह से हैं कि जी ओ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए और एफ ओ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए, तो अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए क्या होता है। तो देखिए जनरल रिजल्ट क्या कहता है कि दिस इज ट्रू एक्चुअली फॉर एनी आर्बिट्रेरी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि अगर हमें कोई भी आर्बिट्रेरी वन वन ऑन टू फंक्शन दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर एफ दे रखा था, तो वी कैन फाइंड आउट अनोदर फंक्शन जी, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड आउट अनोदर फंक्शन जी सच दैट वेन इट इज कम्पोज विद द ओरिजिनल फंक्शन वी गेट एन आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए यहाँ पर ये एफ वन वन ऑन टू फंक्शन है और हम ऐसा फंक्शन ढूंढने में हमेशा कामयाब हो जाएंगे, ये जनरल रिजल्ट ये कहता है कि हम हमेशा कामयाब हो जाएंगे ऐसा दूसरा फंक्शन फाइंड आउट करने में, जिसको अगर उस जी एफ के साथ कंपोजिट करके दूसरा फंक्शन बनाएं, कंपोजिशन के माध्यम से हम दूसरा फंक्शन बनाएं, जैसे जी ओ एफ कैलकुलेट करते हैं एफ ओ जी बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। दिस इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड आउट सच टाइप ऑफ फंक्शन और दिस इज ट्रू वेन दिस फंक्शन एफ इज वन वन एंड ऑन टू बोथ। तो ये जनरल रिजल्ट है फॉर एन आर्बिट्रेरी
वन वन एंड वन टू फंक्शन एफ ए टू बी, देयर एग्जिस्ट अनदर वन वन एंड वन टू फंक्शन जी विच विल बी फ्रॉम बी टू ए. इफ इट इज फ्रॉम ए टू बी, एफ इज फ्रॉम ए टू बी, देन वी कैन फाइंड आउट अनदर फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी फंक्शन, एफ ओ जी इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी फंक्शन. तो इस तरह से ये हमेशा ट्रू होता है और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है. इसका कन्वर्स ट्रू होने का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ये हमारा जनरल रिजल्ट था कि कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है, वन 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 टू फंक्शन है, उसके लिए दूसरा एक वन वन एंड वन टू फंक्शन हम हमेशा ढूंढ सकते हैं ताकि जी ओ एफ भी आई हो और एफ ओ जी भी आई हो. अब इसका जो कन्वर्स है वो क्या कहता है, देखिए, फॉर एन आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ ए फ्रॉम एफ फ्रॉम ए टू बी, देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन एंड एफ ओ जी इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी फंक्शन, देन एफ मस्ट बी वन वन एंड वन टू. तो यहाँ जो पहले वाला है उसमें गिवन है कि वन वन और वन टू फंक्शन है हमारे पास एफ, तो हम एक ऐसा दूसरा फंक्शन ढूंढ सकते हैं. ये हमेशा पॉसिबल हो जाता है दूसरा फंक्शन ढूंढना, ताकि जी ओ एफ एक आइडेंटिटी फंक्शन और एफ ओ जी एक आइडेंटिटी फंक्शन हो और दूसरा जो फंक्शन हम ढूंढ रहे हैं वो भी वन 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 टू होता है. तो ये तो है पहला. अब इसका जो कन्वर्स ये है कि यदि ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए एक आर्बिट्री फंक्शन था जो हमें पता नहीं है कि वन 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 टू है या नहीं है, लेकिन कोई आर्बिट्री फंक्शन है और हम एक ऐसा दूसरा फंक्शन ढूंढने में सफल हो जाते हैं, इस तरह का फंक्शन ढूंढ लेते हैं कि जी ओ एफ आई हो और एफ ओ जी भी आई हो. अगर ऐसा दूसरा फंक्शन हम ढूंढ लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ओरिजिनल फंक्शन था वो वन वन और वन टू होना ही चाहिए, तभी हम ऐसा ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. आइडेंटिटी फंक्शन कभी बनेगा नहीं, अगर ये वन 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 टू नहीं हुआ तो आइडेंटिटी फंक्शन हमें ये मिलेगा ही नहीं कभी. तो आइडेंटिटी फंक्शन अगर हम ढूंढ पाते हैं तब भी हम कह सकते हैं कि जो एफ है वो वन वन और वन टू होगा, ठीक है. तो अब देखिए ऐसा जो फंक्शन होता है एफ, अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है और हम दूसरा फंक्शन ढूंढ लेते हैं, ये कोई फंक्शन है वन 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 टू है, हम दूसरा फंक्शन ढूंढ लेते हैं ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, दोनों इनके जो कंपोजिट फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए. अगर हम ऐसा ढूंढ लेते हैं तो ऐसे जो फंक्शन है उसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहेंगे, और यहाँ जो दूसरा फंक्शन था जी वो इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एफ कहलाएगा. जब भी ऐसा हो जाएगा, यदि हम दूसरा फंक्शन ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, या यूँ कहें कि वो वन 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 टू फंक्शन है तो हम हो ही जाएंगे. तो अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है वो वन 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 टू है तो डेफिनेटली जो वो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा दूसरा फंक्शन जी भी ढूंढ सकते हैं. और यदि हम ढूंढ लेते हैं, मान लीजिए हम वन 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 टू ट्राई नहीं करते कि वन 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 टू है या नहीं, चेकआउट नहीं करते, लेकिन हम ऐसा दूसरा फंक्शन ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं, तब भी हम कहेंगे कि जो ओरिजिनल फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी विच दैट विल बी इन्वर्टिबल, और जो दूसरा फंक्शन हमने ढूंढा जो जी हमने कैलकुलेट किया पता लगाया, वो जी क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ एफ कहलाएगा, उसका इनवर्स कहलाएगा, क्योंकि वो ठीक उल्टा काम कर रहा है. जिन एलिमेंट्स को ये जो फंक्शन था ओरिजिनल फंक्शन जिस वैल्यू तक ले जाता है, उस वैल्यू पर अगर वो दूसरा फंक्शन ऑपरेट होता है तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो वापस हमें मिल जाती है. तो इस तरह का जो फंक्शन है सेकंड वाला फंक्शन, उसको हम इनवर्स ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन कहेंगे. तो देखिए अब फिर से एफ इज इन्वर्टिबल, यहाँ पर जो एफ फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, तो जी को हम इनवर्स कहेंगे, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, और जी अगर इनवर्स ऑफ एफ है तो हम इसको जी को एफ इनवर्स से डिनोट करेंगे, क्योंकि हम बाद में देखेंगे कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स होता है तो वो यूनिक होता है, तो यूनिक है तो हम उसको यूनिक नोटेशन दे सकते हैं, और वो जो नोटेशन है वो इस, क्योंकि हर फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है, तो हम एफ के इनवर्स को एफ इनवर्स से डिनोट करेंगे. तो जी है उसको हम एफ इनवर्स कह देंगे, ताकि बार बार बोलना नहीं पड़े कि ये जी है वो किसका इनवर्स है. एफ इनवर्स से अपने आप ही क्लियर होगा कि एफ इनवर्स इज ए फंक्शन विच इज द इनवर्स ऑफ एफ. तो एफ इनवर्स जो है यहाँ बी से ए में एक फंक्शन हो गया, तो जो इनवर्स फंक्शन है उसको हम एफ इनवर्स से डिनोट करेंगे. तो देखिए यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, एफ ए से बी में है तो इनवर्स फंक्शन बी से ए में होगा, और एफ ओ एफ इनवर्स जो है वो बी से ए में हो गया. एफ ओ जी क्या था, बी से बी में था, तो एफ ओ एफ इनवर्स बी से बी में हो गया. अब बी से बी में होने की वजह से एफ ओ एफ इनवर्स क्या हो गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन था. देखा था हमने एफ ओ जी एक आइडेंटिटी फंक्शन था, इसी तरह से जी ओ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन था. तो जी ओ एफ इज फ्रॉम ए टू ए, जी की जगह मैंने एफ इनवर्स लिख दिया, तो एफ इनवर्स ओ एफ ए से ए में फंक्शन हो गया, एफ इनवर्स ओ एफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन. अब इसको हम समराइज कर लेते हैं जो हमने सीखा अब तक. देखिए इफ एफ इज वन वन एंड वन टू देन एफ इज इन्वर्टिबल. तो क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन अगर वन 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 टू होता है तो दूसरा फंक्शन जी हमेशा ऐसा मिल ही जाता है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन हो, ये हमेशा मिल जाता है.
तो हम सीधे ही अगर कोई फंक्शन 1112 हमने चेक कर लिया कि वो फंक्शन 1112 है, वो चेक करना हम पहले सीख लिया किस तरह से चेक करते हैं, तो कोई भी फंक्शन अगर 1112 है तो डेफिनेटली दैट फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल। तो यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रूव करो कि गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल, तो हम एक तरह से इनडायरेक्टली हमें उस फंक्शन को 1112 प्रूव करना है, और जब हम उसको 1112 प्रूव कर लेंगे तो फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल प्रूव हो जाता है, और जब इन्वर्टिबल प्रूव हो जाता है तो डेफिनेटली इनवर्स विल ऑल्सो एग्जिस्ट, यानी जी की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, जो दूसरा फंक्शन है वो भी हमें मिलेगा। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कि इफ फॉर सम फंक्शन एफ देर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन जी, वो दूसरा फंक्शन हमें मिल जाता है, इस तरह का मिल जाता है कि उसको जो फंक्शन स्टार्टिंग का जो फंक्शन था एफ उसके साथ कंपोजिट करके नया फंक्शन बना रहे हैं, कंपोजिशन से नया फंक्शन बना रहे हैं, और वो फंक्शन अगर आई हो जाता है दोनों क्रम में, दोनों ऑर्डर में जी ओ एफ भी आई हो जाता है, एफ ओ जी भी आई हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है किसी फंक्शन के लिए, हम उसको 1112 प्रूव नहीं कर रहे लेकिन हम ऐसा दूसरा फंक्शन ढूंढ रहे हैं ताकि जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों ही आई हो जाए, ऐसा हम ढूंढ लेते हैं कोई फंक्शन, तब भी हम कहेंगे कि एफ इन्वर्टिबल है। तो कभी कभी क्या होता है किसी फंक्शन को हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो हम उसे 1112 प्रूव नहीं करेंगे, हम सिंपली एक दूसरा ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसका पहले के साथ जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तब भी हम कह देंगे, तब भी ये प्रूव हो जाता है कि फंक्शन इज इन्वर्टिबल, और जो सेकंड फंक्शन था जी वो इनवर्स ऑफ दी ओरिजिनल फंक्शन एफ हो जाता है। यहां देखिए तीसरा स्टेटमेंट, एफ इज 1112 इफ एंड ओनली इफ एफ इज इन्वर्टिबल, तो यदि कोई फंक्शन 1112 है तो इन्वर्टिबल होता है, अगर इन्वर्टिबल है तो 1112 होता है, तो ये भी होता है। तो अगर हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो हम 1112 प्रूव कर देंगे, अगर इन्वर्टिबल दे रखा है तो हम मान लेंगे कि वो हमें पता लग जाएगा कि वो फंक्शन जो है 1112 दोनों है। तो ये तो हो गया थ्योरी पार्ट जो कि इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड था। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं, एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल 23। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ वाई डिफाइंड बाय दिस रिलेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 वेयर सेट वाई इज इक्वल टू y belongs to n such that y is equal to 4x+3 for all x belongs to n। ये इस तरह से इस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, यानी कि इसमें ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो इसका डोमेन है, और जो कोडोमेन है उसमें जो एलिमेंट्स है वो इस जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो डिफाइन किया हुआ है उससे डिसाइड हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो है यहाँ जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो यहाँ लिखा है कि x belongs to n, तो यहाँ x की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी मिलेगी, वो नेचुरल नंबर मिलेंगे, और ये सारे नेचुरल नंबर मिलेंगे, तो देखिए यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिलेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 लिखा है तो यहाँ भी 4x+3 आ रहा है, तो यहाँ जो सेट वाई है वो सेट वाई में केवल वही नेचुरल नंबर है जो कि वास्तव में यहाँ एक्स की वैल्यू रखने से आ रहे हैं, यहाँ एक्स की वैल्यू रखने से और इस फॉर्मूले से जो आएंगे वो सेम होगा। इसका मतलब हुआ कि जो सेट वाई है वो इस फंक्शन की इमेजेस का कलेक्शन ही है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि जो सेट वाई है, ये जो सेट वाई है जो यहाँ से तो डायरेक्टली हमें कोडोमेन नज़र आ रहा है कि ये इस फंक्शन का कोडोमेन है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को जब इसके फंक्शन के जो फॉर्मूला है उससे मैच कराते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये जो वाई है ये इस फंक्शन की रेंज भी है, तो इस फंक्शन की रेंज भी वाई है और इस फंक्शन का कोडोमेन भी वाई है, तो यहाँ से ये तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाता है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हमें शो करना है कि इन्वर्टिबल है, तो इसको इन्वर्टिबल शो करने के लिए हम इसको अगर 1-1 प्रूव कर देते हैं, ऑन टू यहाँ हमें दिख रहा है कि इसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो ये फंक्शन जो है इन्वर्टिबल हो जाएगा, फिर हमें इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है, तो हम इसके लिए दो मेथड काम में लेंगे। तो पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले मेथड 1, इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन 1-1 और ऑन टू है, और पहले हमने समरी पढ़ी थी कि अगर किसी फंक्शन को हम 1-1 ऑन टू प्रूव कर देते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली बी इन्वर्टिबल, तो हम इसको 1-1 ऑन टू प्रूव करेंगे। तो 1-1 प्रूव करने का जो तरीका होता है, ये हमारा फंक्शन था जो n टू y में है और fx इज इक्वल टू 4x+3 है और हम इसे 1-1 प्रूव करना है, तो 1-1 प्रूव करने के लिए हम इस फंक्शन की जो डोमेन है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, इसके हम दो एलिमेंट ले रहे हैं a और b, और वो इस तरह से लेते हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स की जो इमेज है वो इक्वल है, fa इक्वल टू fb, तो ये वाला पार्ट हम हमेशा लिख रहे हैं, जो भी हमने क्वेश्चन 1-1 प्रूव करने वाले क्वेश्चन किए उसमें ये पार्ट हमेशा लिखेंगे। तो whenever we want to prove any function to be 1-1, we will take two elements from the domain of the function such that their images are equal. अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, if images are equal, what does it imply? तो हम fa is equal to fb को सोल्व करते हैं, तो देखिए fa की वैल्यू इस फॉर्मूले से
एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री है, तो एफ ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी 4a+3 और एफ बी की वैल्यू 4b+3। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 4a=4b, सो a=b। तो नेचुरली यहाँ से देख रहे हैं कि ये a=b आ रहा है, तो इमेजेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल है, तो ये फंक्शन जो है 1:1 हो जाता है। ऑन टू देखिए, ये जो हमारा फंक्शन था n2y एफ एक्स इक्वल टू ये था, और सेट वाई जो है वो इस फॉर्मूले से डिफाइन किया गया है, यानी कि इस सेट वेंडर फॉर्म में इस वाई को इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ बाई द डेफिनेशन ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वाई यहाँ क्या है, इस फंक्शन की रेंज ही है, क्योंकि यहाँ 4x+3 यहाँ भी सेम फॉर्मूला काम आ रहा है, तो इस वाई के जो एलिमेंट्स है दे विल बी कंस्ट्रक्टेड बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस फॉर्मूला। और जब भी हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालेंगे, तो ये जो एफ की जो इमेजेज है वही इस सेट वाई में आएगी, तो इस एफ की जो इमेजेस का कलेक्शन ही सेट वाई है, सो एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ वाई, तो हेंस रेंज ऑफ वाई, और यहाँ एफ एन टू वाई है, तो वाई इस फंक्शन की कोडोमेन भी है, तो कोडोमेन और यहाँ रेंज दोनों इक्वल है, तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। तो दिस फंक्शन इज 1:1 एंड ऑन टू बोथ, सो दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। पहली बात तो ये इन्वर्टिबल हो गया। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, वाई इज इक्वल टू, अब इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। अब हम सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ वाई इज इक्वल टू 4x+3 आ गया। अब हम इस इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो इसको देखिए, एक्स के लिए सॉल्व किया, एक्स इज इक्वल टू एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई हमने फाइंड आउट की, और ये जो हमारा एक्स है ये एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, और इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स की खासियत ये है कि वो जस्ट रिवर्स काम करता है। फंक्शन एफ जो है एक्स पर ऑपरेट होता है तो वाई मिलता है, तो जो इनवर्स फंक्शन है वो वाई पर ऑपरेट होगा तो हमें एक्स मिलेगा, तो इसलिए एफ इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू एक्स। सो इन प्लेस ऑफ एक्स वी कैन पुट एफ इनवर्स वाई, बट वी कैन पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई ओनली वेन इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। तो यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये हमने इसमें क्वेश्चन में देख लिया कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, क्योंकि ये फंक्शन 1:1:2 है, तो हम एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 ये आ जाता है। तो हमें इस फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन है इसका फंक्शनल फॉर्मूला मिल गया। तो हम अब लिखेंगे ये हमारा जो इन्वर्स फंक्शन है ये इस कोडोमेन, अब जो कि अब इसका डोमेन हो गया है, तो एफ इनवर्स वाई से एन में है, क्योंकि जो ओरिजिनल फंक्शन एफ था वो एन टू वाई था, तो एफ इनवर्स जो है वो वाई से एन में फंक्शन हो गया, और ये फंक्शनल फॉर्मूला हो गया। तो हमने इसकी डोमेन, कोडोमेन और फंक्शनल फॉर्मूला तीनों बता दिए हैं, तो एक तरह से हमने इन्वर्स ऑफ फंक्शन पूरा बता दिया है। हम चाहें तो इस एक्स की जगह, इस वाई की जगह एक्स भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यहाँ लिखा है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई। अब हम इस वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल एक सिंबल ही है, तो इसको ये एक तरह से तरीका बताता है कि वाई पर ऑपरेट होता है, तो किस तरह से वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम इस वाई को किसी दूसरे वेरिएबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया है, तो हम इस तरह से भी इनवर्स फंक्शन लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/4। तो ये फंक्शन जो है ना, इस एक्स पर इनवर्स फंक्शन एक्स पर ऑपरेट होगा, तो किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, केवल ये फॉर्मूला ये बताता है, इसलिए हम इस वाई को एक्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो एफ इनवर्स वाई टू एन, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/4, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कोडोमेन, इस फंक्शन के कोडोमेन पर ऑपरेट होगा। एक्चुअली ये वैल्यू जो एक्स है इसके डोमेन से, कोडोमेन नहीं, डोमेन से मिलेगी हमें। तो इस तरह से इनवर्स ऑफ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो पहले मेथड है उसमें उस फंक्शन को पहले 1:1:2 प्रूव किया, तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। फिर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स को x के लिए सॉल्व करते हैं, और x की जगह f इनवर्स y लिख रहे हैं, इस तरह से हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में हम देखिए f n टू y है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 है, और सेट y इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। ये तो सब हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम शुरू करते हैं दूसरे मेथड में। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन f के लिए एक दूसरा फंक्शन g डिफाइन करेंगे। तो शुरुआत का प्रोसीजर वही है, पहले हम क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू y लेंगे, यानी कि ये जो कोडोमेन है इसका एक एलिमेंट लेंगे, और ये y इक्वल टू एफ एक्स को सोल्व करेंगे। इसमें एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4x+3 है, तो y इज इक्वल टू 4x+3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, यहाँ तक सोल्व कर लेंगे। यहाँ तक सोल्व करने के बाद फिर हम जो है एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जी, जो जस्ट इसका उल्टा होगा। ये एफ एन टू वाई है, तो हम दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे y टू n, और इसमें जो जी वाई है उसकी वैल्यू हम ये ले लेंगे जो यहाँ x की वैल्यू आ रही है, तो y माइनस 3/4। तो ये जो है इस तरह से हम जी वाई डिफाइन कर लेंगे, जस्ट जो x की वैल्यू जो भी आती है वो जी वाई का काम करेगा, क्योंकि इसको हम f इनवर्स y कर रहे थे पिछली बार, तो वो f इनवर्स y की जगह हम यहाँ जी वाई, तो जी x की जगह जी वाई ले लेंगे। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे जी, जिसमें हम जो यहाँ डोमेन और कोडोमेन है ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी,
यहाँ वाई हो गया और ये एन हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में यहाँ जो जी वाई डिफाइन करेंगे, जो इसमें जो वाई है वो इस सेट वाई का एलिमेंट है, क्योंकि डोमेन इसकी जो जी की डोमेन है वो सेट वाई है, तो ये स्मॉल वाई है वो इसका एलिमेंट हुआ। तो जी वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम पिकअप करेंगे वाई माइनस 3/4। तो इस तरह से हमने दूसरा एक फंक्शन डिफाइन किया। अब हम चेक करेंगे कि दूसरा जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है जी वाई टू एन, जो जी वाई इस तरह से है, और ये हमें पता है पहले से कि एफ एन टू वाई जो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3 है, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, और ये हमारा ये अभी जो हमने डिफाइन किया है ये फंक्शन है। तो हमने दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ जो एक्स पर ऑपरेट होता है तो वैल्यू कितनी आती है। तो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो एफ एक्स यहाँ हो जाएगा जी ओ एफ एक्स हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स यहाँ से देखिए 4x+3 है, और 4x+3 अब ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। ये फॉर्मूला क्या करता है, जो भी वैल्यू यहाँ रखते हैं पहले उसमें से 3 को माइनस करता है, फिर अपॉन 4 कर रहा है। तो यहाँ देखिए 4x+3 यहाँ रखा, फिर -3/4 जो कि यहाँ हो रहा है, और इसको सोल्व करने पर वापस एक्स आ रहा है। तो ये जो जी ओ एफ है वो एक्स पर ऑपरेट होने पर वापस हमें एक्स ही दे रहा है। तो जी ओ एफ एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। सिमिलरली अगर एफ ओ जी कैलकुलेट करें, अब एफ ओ जी किस पर ऑपरेट होगा, तो देखिए एफ ओ जी जो है, एफ ओ जी जिस एलिमेंट पर ऑपरेट होगा वो एलिमेंट जी के डोमेन से होगा। तो जी का जो डोमेन है उसका एलिमेंट हम वाई ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये वाई पर ऑपरेट करवाते हैं इसको। तो एफ ओ जी वाई कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले जी वाई कैलकुलेट करना है, और जी वाई की वैल्यू हमारे पास ये रही जी वाई -3/4। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ जी वाई, और जब एफ इस पर ऑपरेट होगा पूरे पर, तो एफ क्या करता है कि जो भी वैल्यू यहाँ होती है पहले उसको 4 टाइम्स करता है, उसके बाद में उसमें 3 ऐड कर देता है। तो वट एवर वैल्यू इज हियर वाई -3/4, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई 4, देन वी एड 3 इन द रिजल्ट। तो देखिए यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो वाई। तो देखिए एफ ओ जी जब वाई पर ऑपरेट होता है तो वापस हमें वाई मिल रहा है, जी ओ एफ जब एक्स पर ऑपरेट होता है तो वापस हमें एक्स मिल रहा है। तो जी ओ एफ एंड एफ ओ जी बोथ आर आइडेंटिटी फंक्शन। और हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन हमें दे रखा है और उस फंक्शन के लिए हम एक दूसरा फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, दूसरा फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, और इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि उसकी जो डोमेन है कोडोमेन है वो तो रिवर्स हो जाए। देखिए यहाँ एन वाई है तो वाई एन है, तो इस तरह से हम रिवर्स जो डोमेन है कोडोमेन को रिवर्स करते हुए एक फंक्शन जो है डिफाइन कर देते हैं, ऐसा फंक्शन जो इस तरह का हो कि जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए, जो यहाँ हो रहा है तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है। ऐसा जब हो जाता है तो डेफिनेटली दिस फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल, और एफ इज इन्वर्टिबल है। और यहाँ पर साथ के साथ ये भी काम हो जाता है कि जो जी हमने जो डिफाइन किया था दैट इज द इनवर्स ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन एफ। तो एफ इनवर्स क्या हो गया, इनवर्स ऑफ एफ हो गया। एफ इनवर्स जो है मतलब जी जो है हमारा क्या हो गया, द गिवन फंक्शन का इनवर्स भी हो गया है। तो इस तरह से जो है जो ओरिजिनल फंक्शन था एफ उसका इनवर्स हमने ढूंढ भी लिया है जी। तो जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो अब यहाँ जी जो है हमने डिफाइन किया था इस तरह से, और अब हम इनवर्स लिख सकते हैं क्योंकि इन प्लेस ऑफ जी वी कैन पुट एफ इनवर्स। तो जहाँ भी जी है वहाँ एफ इनवर्स लिखते हुए ये देखिए ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया है। इन प्लेस ऑफ जी वी कैन पुट एफ इनवर्स बिकॉज जी इज आइडेंटिफाइड हियर एज द इनवर्स ऑफ एफ। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। हम चाहें तो इस वाई को जो है जो कि वेरिएबल ही है तो उसको हम नए वेरिएबल एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो एक्स है वो फिर भी उसी सेट वाई से रिलेट है, क्योंकि एफ इनवर्स जो है इसका डोमेन यहाँ पर वाई है। तो ये जो वाई या ये जो एक्स है दोनों के दोनों ही इस सेट वाई के एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो अपने डोमेन के एलिमेंट पर ही ऑपरेट हो सकता है। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स -3/4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी सही है। इस तरह से हमने जो है अगर कोई फंक्शन है तो उसको हम प्रूव कर लेते हैं कि वो इन्वर्टिबल है, और फिर अगर वो इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स क्या होगा। तो दोनों मेथड्स जो भी आपको सूटेबल लगे, वैसे दोनों मेथड आप की दोनों मेथड्स की आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल 24। इसमें मान लीजिए कोई सेट वाई है वो इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये डेफिनेशन ये शो करती है कि इस सेट वाई में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उन सब का कलेक्शन है। तो सेट वाई इज द कलेक्शन ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो डेफिनेटली दिस विल बी अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमारे पास एक फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस सेट वाई पर डिफाइन है, और इस तरह से डिफाइन है एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो अब हमें शो करना है कि एफ इज इन्वर्टिबल। तो अब इसके लिए भी हम सबसे पहले इसको 1-1 प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए 1-1 प्रूव करने के लिए हम जिस फंक्शन को हमें 1-1 प्रूव करना है, इस फंक्शन एफ को हमें 1-1 प्रूव करना है, तो इस फंक्शन के डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन से 2 एलिमेंट लेते हैं, और इस तरह से लेते हैं कि उनकी इमेजेज इक्वल है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, तो ये हमेशा ये प्रोसेस हमेशा शुरू ऐसे करना है कि वी विल टेक 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन
सच दैट देर इमेजेज आर इक्वल, यानी कि ये जो फंक्शन है अगर ए पर और बी पर ऑपरेट होता है तो उनकी इमेज इक्वल है, ये गिवन पार्ट है। अगर ऐसा है तो हमें ये देखना है कि इफ इमेजेज आर इक्वल देन दी एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसके लिए हम एफ ए इक्वल टू एफ बी से शुरू करते हैं, और एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो एफ ए की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एफ ए हम यहाँ ये फॉर्मूला हमारा एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो एफ ए की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर। सिमिलरली एफ बी जो है वो हो गई बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ ए इज इक्वल टू बी, ए इक्वल टू माइनस बी भी आ सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा पॉसिबल वैल्यूज के हिसाब से प्लस बी और माइनस बी। तो हमने एक क्वेश्चन किया था पहले कि ए इज इक्वल अगर प्लस माइनस बी आ जाता है तो वो फंक्शन वन वन नहीं होता, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है सिंपली ए इज इक्वल टू बी, यहाँ सिंपली ए इक्वल टू बी लिखा है। तो यहाँ देखिए जो ए और बी बोथ आर नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर है, तो बोथ विल बी पॉजिटिव, तो ए जो है और वो नेगेटिव बी के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही या दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो ए इक्वल टू बी ही होगा। यहाँ मैंने लिखा है कि ए बी चूंकि बिलोंग्स टू एन है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू माइनस बी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ए इक्वल टू माइनस बी लिखते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर विल बी इक्वल विल इम्प्लाई ए इक्वल टू बी इफ ए एंड बी बोथ आर नेचुरल नंबर। तो यहाँ की एक ही पॉसिबिलिटी आती है ए इक्वल टू बी, यहाँ की ये दूसरी पॉसिबिलिटी जो थी ए इक्वल टू माइनस बी, ये रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ ये कन्फर्म है कि यहाँ से नेचुरल जो रिजल्ट निकल रहा है वो ए इक्वल टू बी ही निकलेगा, कंपल्सरी रिजल्ट ये निकलेगा ए इक्वल टू बी, और इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये फंक्शन वन वन है। तो फंक्शन वन वन प्रूव हो गया है। अब ये हमें क्वेश्चन में फिर से लिख दिया यहाँ पर, और इस फंक्शन को हमें ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें इसकी रेंज देखिए, जो पिछले क्वेश्चन में वैसे ही इसकी जो रेंज है वो बाय द वेरी डेफिनेशन ऑफ सेट वाई रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू वाई, क्योंकि देखिए एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर और यहाँ पर भी एन स्क्वायर ही आ रहा है, तो इस सेट वाई एक्चुअली क्या है, इस फंक्शन की रेंज दिख रही है यहाँ पर। तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई, और कोडोमेन इस फंक्शन की कोडोमेन भी वाई है, कोडोमेन जो है इस फंक्शन की वाई है, तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू, और चूंकि दिस फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, सो दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अब अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वर्स फाउंड आउट करने के लिए हम जो एफ एन टू वाई दे रखा है, एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर दे रखा है, तो जैसे हम एफ एक्स इक्वल टू वाई होता था, तो एफ एक्स ये एफ एक्स का काम कर रहा है यहाँ पर, इसको हम वाई लिखेंगे, एफ एक्स एक तरह से ये एक्स की तरह है क्योंकि ये इस फंक्शन का एलिमेंट है, तो फंक्शन का एलिमेंट पहले एक्स होता था, यहाँ पर हमें एन दे रखा है, तो ये एफ एक्स जो है वो वाई का काम करेगा। तो इस एफ एन को मैं वाई लिख लेता हूँ, तो एफ एन को जब मैं वाई लिख लेता हूँ तो डेफिनेटली जो एन है वो एफ इन्वर्स वाई हो जाएगा, क्योंकि इसका इन्वर्स है, फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम एन इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं, तो एन इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। अब हमें इस एफ इनवर्स वाई की वैल्यू निकालनी है और इन टर्म्स ऑफ वाई निकालनी है, क्योंकि यहाँ जब वाई पर ऑपरेट होता है तो वाई को किस तरह से ये चेंज करता है, तो हमें यहाँ एफ इनवर्स वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए, जबकि यहाँ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन दिख रही है, तो इस एन को हमें वापस चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ वाई में। तो देखिए यहाँ पर ये जो एफ एन को जब हमने वाई लिया, इस एफ एन को जब हम वाई लिखेंगे यहाँ पर, तो वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ से मैं एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एन इज इक्वल टू रूट वाई, यहाँ से इसको सॉल्व किया तो एन इक्वल रूट वाई। तो यहाँ जो ये एन है, इस एन को मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ, इन प्लेस ऑफ एन आई कैन पुट रूट वाई, तो एफ इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू रूट वाई। तो अब यहाँ देखिए फंक्शन, ये जो एफ इनवर्स फंक्शन है ये वाई पर ऑपरेट होता है, तो हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ वाई मिल रहा है रूट वाई, तो ये हमें इससे जो जो इनवर्स फंक्शन है उसका फंक्शनल फॉर्मूला मिल जाता है एफ इनवर्स वाई इज इक्वल रूट वाई। और हमें पता है कि ओरिजिनल फंक्शन एफ एन टू वाई है, तो जो रिवर्स फंक्शन है या इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स वाई, ये इसमें जो डोमेन कोडोमेन रिवर्स हो जाएगी, तो ये एन टू वाई है, तो ये वाई टू एन। इस तरह से एफ इनवर्स वाई इज ए फंक्शन फ्रॉम वाई टू एन, और इट्स फंक्शनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू एफ इनवर्स वाई इज इक्वल रूट वाई, तो दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो इस तरह से जो है हम जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। तो जब भी किसी फंक्शन को हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है, तो या तो हम उसको पहले 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे, और 1 1 ऑन टू प्रूव करने के बाद इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, या फिर उस फंक्शन के लिए एक दूसरा फंक्शन जी हम डिफाइन करेंगे इस तरह से कि एफ ओ जी और जी ओ एफ एक आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए। अगर ऐसा कर देते हैं तब भी वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है तो जो जी है, वैल्यू ऑफ जी विल बी द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, तो जो जी है वो ही इनवर्स हो जाएगा गिवन फंक्शन का। तो इस तरह से जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।